9 नवंबर 2019 ये वह तिथि है जो राम मंदिर के साथ अयोध्या के कायाकल्प की महातिथि बन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सदा के लिए अंकित हो गई, जिसका परिणाम रामनगरी को तब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने अयोध्या पहुंचे थे। 5 साल पहले वर्तमान अयोध्या की कल्पना भी नहीं की गई थी। यह मात्र विमर्श भर था कि क्या कभी अयोध्या में हवाई अड्डा बन सकता है, क्या कभी बाहर से मंदिर और अंदर से मॉल सरीखा दिखने वाला स्टेशन बनेगा, क्या कभी राम पथ, धर्म पथ और भक्त पथ जैसे मार्ग बनेंगे। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने की ही नहीं थी और ना ही आकर्षण चुराने वाली फसाद लाइटों की। लेकिन 5 वर्ष पहले की अयोध्या को जानने वाले जानते हैं कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप किन चुनौतियों से घिरा था। चुनौतियां 2-4 सालों की नहीं बल्कि सदियों की। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम निर्णय आने और मंदिर निर्माण आरंभ होने के बाद अयोध्या का जिस गति से पुनर्निर्माण आरंभ हुआ किसी दौर में वह अकल्पनीय था। प्रख्यात शास्त्रज्ञ और हनुमत निवास मंदिर के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण कहते हैं, आज अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों के संरक्षण एवं सुंदरीकरण योजना के मूर्त रूप लेने के बाद अयोध्या और भी अधिक शोभायमान हो जाएगी। राजघाट से भगवान श्री राम के मंदिर तक श्रद्धालु भ्रमण पथ का सुदृढ़ीकरण होने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की राह और भी अधिक सुगम होगी। 22 जनवरी को अयोध्या की पावन धरा पर जो छठा बिखरेगी वह देखने लायक होगी।